हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 26 पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग। यानी कोई हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी, उसको अगर 2D ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो किस तरह से प्लॉट करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे। पहला है हमारे पास एग्जाम्पल है y² a + x = x² 3a - x। इसको हमें ट्रेस करना है, तो इसको हम ट्रेस करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है किस किस लेंथ की सिमेट्रिक है। तो फिर सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर अगर -x पुट करें, और इक्वेशन में चेंज ना हो, x = -x पुट करें और इक्वेशन में चेंज ना हो, तो वो इंप्लाई करेगा वाई एस के सिमेट्रिक। और अगर y बराबर -y पुट करें और इक्वेशन चेंज ना हो तो हमारे पास वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर हम x = y पुट करें और इक्वेशन चेंज ना हो तो x = y लाइन के सिमेट्रिक होगा, और x = अगर -y पुट करें और चेंज ना हो तो x = -y लाइन के सिमेट्रिक होगा। ये कुछ रूल्स है हमारे पास। अब इसमें अगर x = -x पुट करें तो यहाँ पे इसको इन दो केसों को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि x की जो टोटल पावर है वो कितनी है, मतलब इवन है। ये कब चेंज नहीं होगा, इक्वेशन कब चेंज नहीं होगी, जब x की पावर इवन हो। ऐसे ये कब चेंज नहीं होगी, जब y की पावर इवन हो सारी पावर। तो अगर यहाँ इसमें देखें तो x की पावर सारी पावर इवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पावर है इसकी, यहाँ पे x² है, बट यहाँ पे 3³, यानी कुछ और पावर भी है, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यानी ये y एक्सिस की सिमेट्रिक नहीं है, पहला पॉइंट ये कट जाएगा। सेकेंड, अगर हम y बराबर -y पुट करें, या देखें y की पावर जो है वो इवन है नहीं, तो y की पावर जो है वो इवन है यहाँ पे, और बाकी कई पावर है नहीं, तो y इसके सिमेट्रिक होगा। अब हम यहाँ से पता चल गया y = -y पुट करें तो x के सिमेट्रिक होगा। तो x एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस x और ये वाला y। अब हम यहाँ पे जैसे ग्राफ बनाएंगे, इसके एक तरफ जैसे ग्राफ बनाएंगे, उसी को रिपीट कर देंगे दूसरा ग्राफ। तो इस तरह से सिमेट्री से ये हमें फायदा होता है कि एक तरफ का ग्राफ में पता चल गया तो दूसरी तरफ को पता चल जाएगा। अगर x = y इसमें पुट करेंगे तो फ्रेंड्स इक्वेशन को क्लियरली देख सकते हैं, जब x = y पुट करेंगे तो इसकी जो पावर है x की, ये सॉरी x = y पुट करें तो x की पावर क्यूब हो जाएगी, इक्वेशन पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और अगर x = -y पुट करें तो भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए कि हमारे पास y की पावर इवन है, क्योंकि ऑल पावर ऑफ y आर इवन, सो कर्व इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। ये हो गया। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास पता चल गया कि यहां से सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस पता चल गया। अब हमें देखना है कि ये ओरिजिन से होकर जाती है नहीं, तो ओरिजिन से जाने के लिए हमें सिर्फ क्या चेक करना है, x = 0 और y = 0 पुट कर देते हैं, और दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ओरिजिन से होकर जाती है, और नहीं तो नहीं जाती। सेकंड, ओरिजिन से चेक करते हैं कि ओरिजिन से कर जाती है या नहीं। तो अब इसमें अगर 0 = 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पूरी टर्म इक्वल टू, ये भी यहाँ पे यहाँ से 0 पूरा 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये कर्व जो है वो हमारे पास यहां से जा रही होगी। तो अब ये हमें पता चल गया, फर्स्ट ये पॉइंट पता चल गया। सेकंड, अब देखते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो कट पॉइंट है वो हमें चेक करने हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट पॉइंट चेक करने के लिए सिंपली हम क्या चेक कर सकते हैं, जो एक्स एक्सिस पे चेक करना है तो हम यहां से x एक्सिस पे अगर चेक करेंगे तो x एक्सिस पे क्या होता है, y बराबर 0, इक्वेशन में y बराबर 0 पुट करो, तो y बराबर 0 पुट करेंगे ऑन फॉर x एक्सिस, इक्वेशन में y बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² 3a - x = 0, यानी ये 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास, ये कब है हमारे पास, या तो x = 0 हो या x = 3a हो। तो यहां से हमारे पास x = 0 और x = 3a पॉइंट आ गया, यानी ये यहाँ पे पॉइंट होगा कोई पॉइंट 3a। तो ये हो गया हमारे पास।
अब फ्रेंड्स ये आ गया है हमारे पास, तो अब यहां से सेकंड हमें टर्म देखने है फोर वाई एक्सिस, फोर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास यहां से आ जाएगा ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म सिर्फ वाई स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो बचा, तो यानी वाई इक्वल टू जीरो, यानी वाई एक्सिस को कर ओनली जीरो पे ही कट कर रहे हैं, यानी हमारे पास ये तो पता चल गया हमारे पास। अब एक कर्व के एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब हमें ये यहां से पता चल गया। अब फ्रेंड्स यहां से हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने से कोई मतलब नहीं है, सिंपली हमें इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालना है, और डेल सॉरी हाँ इसको अगर हमें y इक्वल टू फॉर्म में पुट करना चाहे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और इसका रूट, ये आ गया। अब हम यहां से हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिन पॉइंट्स पे वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम हो गया, वैल्यू कर्व जो है या तो जिनको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कर्व या तो इंक्रीजिंग हो रहा होगा वहां से या डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो पॉइंट निकालने के लिए सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो इसका हमारे पास सिंपली इसको निकालने के लिए इससे अच्छा है क्योंकि इस तरह से काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम करते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से भी निकाल सकते हो, चाहे तो हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेके तब भी पॉइंट निकाल सकते हैं, हमारे पास दोनों वे हैं कि किस तरह से हम पॉइंट निकालना चाहे। अब इस तरह से पॉइंट निकाल रहा हूं तो मैं इस तरह से यहां पे डी ओवर डी एक्स ऑफ यहां से एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स, फिर इस तरह से इनका डिफरेंशिएशन करना है हमें। फिर जब आप इनको सॉल्व करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप एक दो कर एक दो पॉइंट्स को छोड़ भी दोगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ट्रेस कर पाओगे तब भी। तो यहां से ये हो गया हमारे पास, अब यहां से डिफरेंशिएशन करना चाहे तो ये हो गया हमारे पास एक बार तो टू एक्स एंड ये टू एक्स थ्री ए माइनस एक्स, टू एक्स थ्री ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स का इनवर्स यहां ऊपर लिख देता हूं, फिर से काफी लंबा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पे लिख रहा हूं टू एक्स थ्री ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स का इनवर्स, और उसके बाद हमने थ्री ए प्लस थ्री ए माइनस एक्स किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इसका माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस एक्स का इनवर्स प्लस फिर एक्स स्क्वायर इसका क्या एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स और इसका क्या, तो हमारे पास ये माइनस का साइन आ जाएगा और ए प्लस एक्स की पावर माइनस टू। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा अब 2x और 3a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस एक्स और ये हो जाएगा लास्ट टर्म आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये आ गया। अब जब ये आ गया तो हमारे पास यहां से हम ए प्लस एक्स को कॉमन ले लें तो ए प्लस एक्स को हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एक्स एलसीएम ले लिया, ए प्लस एक्स का स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहां से इसमें टू एक्स थ्री ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स, ये हो गया मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स,
ये हो गया हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो x कॉमन आ रहा है सभी जगह से, x कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये तो हो गया x बराबर जीरो, यानी x कॉमन ले लिया। और यहां से हमारे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स ए स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास माइनस टू ए एक्स, इससे इससे इसका इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सिक्स ए एक्स प्लस सिक्स ए एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें देखा तो इसमें ये हो जाएगा एक्स तो गया बाहर माइनस एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या कट सकते हैं वो चीज़ें हम काट लेते हैं, तो जो चीज़ें हम कट पाएंगे वो हम काटेंगे यहाँ से। यहाँ से अगर देखें तो फोर ए एक्स बच गया, अगर यहाँ से अगर देखें एक्स से देखें तो थ्री ए एक्स बच गया, थ्री ए एक्स बच गया, थ्री ए एक्स से थ्री ए एक्स गया, ये हमारे पास गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बेसिकली हमारे पास एक सिक्स ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बच गया। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इस तरह का हमारे पास कुछ भी पॉइंट नहीं मिला, सिर्फ ओनली एक्स बराबर जीरो ही पॉइंट मिला है, एंड एक्स बराबर जीरो पे कर्व है जो थोड़ा चेंज हो रहा होगा, ये हमारे पास मिला है। अब सेकंड हम देखते हैं, जब हमने वाई की वैल्यू पुट की तो वहां से उसका एरिया यानी जो ये पॉइंट्स हैं कहाँ कहाँ डिफाइन है, किस एरिया में पॉइंट्स की वैल्यू डिफाइन हो सकती है। तो जैसे यहां से हमने चेक किया ये हो गया वाई बराबर एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रूट। अब अगर हम देखें तो पहले तो फ्रेंड्स यहां से हम अनंत स्पर्शी की बात कर लेते हैं, अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स जो हम लास्ट उसमें पढ़ के आए थे एसिम्प्टोट्स, यहां से हम सिंपली देख सकते हैं, कोई ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ए बराबर है ये कब इनफाइनाइट हो रहा है, वाई कब इनफाइनाइट हो रहा है, y जब इनफाइनाइट हो रहा है ए बराबर माइनस एक्स हो रहा है, x बराबर माइनस ए हो रहा है, यानी x बराबर जैसे माइनस ए यहाँ पॉइंट है एक लाइन है, ये इस लाइन को कब कब टच कर रहा है, इस लाइन को जब टच कर रहा है तब x y जो है इनफाइनाइट पर पहुंच रहा है, यानी यहाँ से ये कुछ इस तरह का बने क्योंकि यहाँ पे भी आना है उसको यहाँ पे भी आना है, तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक इनफाइनाइट पॉइंट होगा कहीं पे इनफाइनाइट जाके, तो वो लाइन जो जाएगी वो यहाँ से इस तरह से जाएगी और इस तरह से वो टच नहीं करेगी, और हमें यहां से ये पता चल गया। अब हम इसके एरिया देखते हैं, वाई बराबर अगर देखें वाई बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स। अब ये देखें तो हम अगर एक्स की वैल्यू सपोज कि एक्स की वैल्यू हम ए से ये है इससे कुछ छोटी हो ले ले तो माइनस टू ए ले लें, माइनस टू ए लेने पर हमारे पास ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये अगर देखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस ले नेगेटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू ए से छोटी है तो ये जो नंबर है रूट ऑफ कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, इसका मतलब कि हमारे पास ये इस एरिया में इसका ग्राफ नहीं जाएगा, इस तरफ के एरिया में ग्राफ नहीं जाएगा, एक्स की वैल्यू के लिए नहीं जाएगा, ये हमें पता चल गया। अगर हम एक्स की वैल्यू थ्री ए इस थ्री ए से बड़ी लें, सपोज कि फोर ए ले लेते हैं पूरे, तो पूरे कंडीशन में ये पॉजिटिव रहेगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर थ्री ए से बड़ी है तो ग्राफ इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि तब भी ये नेगेटिव ही आएगा। तो हमारे पास ये पता चलेगा कि हमारे पास जो ग्राफ है वो यहां से चल के और पहले यहां आ रहा है और फिर वो यहां आ रहा है, तो इस तरह से हम यहीं से डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हैं चाहे तो, कि ग्राफ जो होगा वो पहले तो खुद ऊपर यहां से, अब जैसे कुछ और पॉइंट भी ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास ये पॉइंट है, अब यहां से वाई बराबर एट एक्स बराबर ए पे वैल्यू देख लें एंड एक्स बराबर टू ए पे वैल्यू देख लें इसकी, तो एक्स बराबर ए पे अगर वैल्यू देखना चाहेंगे तो वाई बराबर आएंगे हमारे पास ए स्क्वायर थ्री ए माइनस ए अपॉन टू ए, यानी ए से ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा वाई बराबर ये टू ए रह जाएगा ए स्क्वायर टू टू ए स्क्वायर आएगा बेसिकली अपॉन टू भी नीचे है बट टू से टू कट जाएगा यानी प्लस माइनस ए आ रहा है, यानी अगर ए पॉइंट है यहाँ पे तो एक जगह तो यहाँ पे ए आ रहा है और एक इधर भी माइनस ए आ रहा है,
इसी तरह से अगर टू ईयर पे चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब हमको चल रहा ग्राफ यहाँ से इधर से ऊपर ही जाएगा और यहाँ पे इधर से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। सेकंड हमारे पास यहाँ से ये पता चल गया, यहाँ से इस तरह से ग्राफ जाएगा और ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो फिर से इस तरह से हम कोई भी कर्व ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हमने डायरेक्टली कर्व ट्रेस कर ली, तो इस तरह से हम कोई भी कर्व ट्रेसिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके एग्जाम्पल लेंगे जिसमें और कर्व ट्रेसिंग को अच्छे से एक्सप्लेन और हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कर्व ट्रेसिंग आ गया, यानी ये इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।